नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटी सी मुलाकात और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। अपने लिए तो हर कोई जीता है, अपने परिवार के लिए हर कोई जीता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो समाज के लिए, देश के लिए जीते हैं। जी हां, इस स्वार्थी जमाने में जहां हर कोई अपने निजी स्वार्थ के पीछे भागता है, वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को सुख सुविधाएं पहुंचाने के लिए या दूसरों की तकलीफें दूर करने के लिए खुद को कष्ट देते हैं। कई बार ऐसे लोग ऐसे जुनूनी अभियान की शुरुआत करते हैं जिसमें भले ही उन्हें कुछ हासिल ना हो, लेकिन वो समाज को बदलने की कोशिश करते हैं। वो उन कुरीतियों को मिटाने की कोशिश करते हैं जिन्हें अभी तक दूर नहीं किया जा सका है। ऐसे ही एक मिशन पर निकले हैं तेलंगाना के ऋषिकेश्वर राजू। आज जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे समझेंगे कि उनका जो मिशन है, साइकिल के जरिए वो दिल्ली तक की यात्रा कर रहे हैं, करीब 1600 किलोमीटर का सफर, आखिर उसके पीछे मकसद क्या है और इस मिशन में वो कितने कामयाब हो पाएंगे, उन्हें कितनी उम्मीद है, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है आपका राजू हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। तो शुरुआत राजू जी आपसे यहीं से हम करना चाहेंगे। ये जो आपका मिशन है, दिल्ली की यात्रा, 1600 किलोमीटर का सफर, राष्ट्रपति से मुलाकात आप करना चाहते हैं, आखिर मकसद क्या है? सबको नमस्कार, मेरा नाम सरिकोंडा ऋषिकेश्वर राजू है। मेरा मिर्यालगुड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, नलगोंडा जिला तेलंगाना स्टेट से आया हूँ मैं। मैं मिर्यालगुड़ा 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन में निरसन से एक कार्यक्रम लिया। मैं मिर्यालगुड़ा शहीदों के स्तूप से लेकर दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक मैं साइकिल यात्रा करना स्टार्ट किया। मैं ये साइकिल यात्रा करने का बहुत रीजन्स है। मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन में तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरी हूँ। मैं वही पोजीशन से मैं सारे कुछ संगठन को मैं देखा। मैं एक 9 महीने के किड के ऊपर अत्याचार हुआ और 6 साल की बच्ची के ऊपर अत्याचार हो रहे और 80 साल की बुढ़ी के ऊपर भी अत्याचार हो रहे। ऐसे संगठन को मैं बहुत देख के कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। ये संगठन के ऊपर भी सोच कर मैं ये यात्रा निकला हुआ। मेरा गांव से दिल्ली राष्ट्रपति भवन तक 1800 किलोमीटर। अच्छा, 1800 किलोमीटर है। अभी तक मैं 1200 किलोमीटर आ गया, तकरीबन 1200 किलोमीटर आ गया और एक 8 दिन में मैं दिल्ली पहुंच रहा हूँ। मेरे को वहाँ पे दिल्ली जाने के बाद आम आदमी पार्टी से मेरा बात हुआ था तेलंगाना। बिल्कुल, उस पर हम बाद में आएंगे राजू, लेकिन पहले जो आपका जो ये मकसद है, आपने बताया कि महिलाओं के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, बाल यौन शोषण के जो मामले आ रहे हैं, मासूम बच्चियों से रेप की घटना, वो क्या घटना थी जिसने आपको इतना व्यथित कर दिया, इतना झंझोड़ दिया राजू, कि आपने ये ठान लिया कि अब सीधे राष्ट्रपति से मिलना है? मैं 2 बच्ची का बाप हूँ। पहले मैं वो हिसाब से मैं बहुत ऐसे संगठन को देख के मेरा मन पूरा मेरा बहुत दुखी लग रहे मेरे को। वो 9 महीने के किट अत्याचार होने के बाद उनका घर को गया मैं। उनसे माँ बाप से मुलाकात हुआ। मेरा बात करें तो मालूम पड़ गया वो माँ अभी तक भी नॉर्मल नहीं हो पाई, नॉर्मल नहीं है। अभी भी रो रहे। मैं कभी कॉल करे तो अभी भी रो से शुरू करता हूँ, राजू सर कैसे बोल के रो से बात करता मेरे से। ऐसे संगठन देखे इस बारे में एक संगठन हुआ मेरा तेलंगाना में, एक हाजीपुर श्रीनिवास रेड्डी बोल के एक चार लड़की को अत्याचार करके उनका खेत में एक पानी का कुआ था उसमें डाल दिया। अभी तक वो केस आरोपी बाहर फिर रहे मगर उनको सजा नहीं मिल रही। हमारा शिक्षा स्मृति में ऐसे है कि सजा भी मिल रहे और बचने का रास्ता भी बहुत ज्यादा हो रहे, इसलिए थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट में महिला कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट में महिला कमीशन सारे एक बार बैठ के जो ऐसे शिक्षा स्मृति में वो बचने का जो ही है कानून पूरा निकाल के फिर नया कानून लेना का जो बहुत जरूरी है। जी, राष्ट्रपति से आप किस प्रकार के सख्त कानून की मांग करने जा रहे हैं, यानी कौन सी सजा मिलनी चाहिए ऐसे दरिंदों को? मेरा एक 10-12 डिमांड्स है। मेरा हर एक स्टेट में फोरेंसिक साइंस लैब, उदाहरण लिए तो मेरा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 2 स्टेट मिला के एक ही फोरेंसिक साइंस लैब है हैदराबाद में। जब अत्याचार होता वो संगठन का निवेदन आने तक 30 से 40 दिन लग रहे हैं। उतना समय आरोपी को मिले तो उन बचने का वो केस से बचने का बहुत रास्ता मिल रहे हैं उनको,
इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे संगठन सुमोटो से लेके हर एक स्टेट में कम से कम 5 से 10 तक फोरेंसिक साइंस लैब को नियमित करना है, वो तो जरूरी है। और एक है मतदान शराब नियंत्रण पॉलिसी को जल्दी से जल्दी लेके आना है। 100 से 100 में लिए तो 80% क्राइम्स पूरा शराब की निशा में हो रही है, इसलिए वो नियंत्रण पॉलिसी लाना भी बहुत जरूरी है। और ऐसे अत्याचार संगठन को सेपरेट पुलिस विभाग रहना है, और सिविल पुलिस स्टेशन में एक केस है तो वो सिविल केस देखना है, फिर ये केस देखना है, इसलिए थोड़ा आरोपी को बहुत बहुत मौका मिल रहा है उन बचने के वास्ते, इसलिए ऐसे संगठन को सेपरेट पुलिस विभाग भी रहना चाहिए। और देश में जो चालू हो रहे पोर्न वेबसाइट को पूरा निषेध करना है, और फिल्म में अश्लील सेंसर बोर्ड वाले अश्लील पूरा निकाल देना है, वो पहले देख के वो जो अश्लील है वो पूरा निकाल देना है। अपने स्तर पर आपने किस प्रकार के प्रयास किए? अपने स्टेट में आपने बताया कि आप अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो क्या किया आपने पहले तेलंगाना में? आप बता रहे थे कि भूख हड़ताल पर भी आप बैठे, क्यों बैठना पड़ा? सज्जा दिन वो निवेदन आने तक 40 दिन लग रहे, वो 40 दिन लगने में आरोपी बेल गिल और वो दूसरा वो बड़ा कोर्ट को जाना, बड़ा लायर को पकड़ना, वैसे वैसे एक्चुअली वो शिक्षा स्मृति में बदलना करना है। वो FSL फोरेंसिक साइंस लैब में निवेदन जल्दी से आना, फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट फोक्सो कोर्ट बड़ा बड़ा शहरों में है, वो जिला केंद्र लोन में लेके आना है, वो निवेदन आने से निवेदन आना फटाफट वो फोस्ट ट्रैक कोर्ट में उनको सजा मिलना। और छोटा बच्चों के ऊपर अत्याचार होता, बिलो 12 ईयर्स के अंदर बच्चों के अत्याचार होता, इनकाउंटर करना लीगलाइज करना है वो देश में। आप चाहते हैं कि इनकाउंटर को लीगल कर दिया जाए? ये संगठन में सिर्फ एक छोटा 9 महीने के किट भी नहीं छोड़ रहे, 6 साल की बच्ची की जो चॉकलेट दिलाता हूं, बिस्किट दिलाता हूं, वैसे लेके जाके उनको इतना उन अत्याचार होने संगठन समय में वो बच्ची कितना बार माँ बचाओ बाप बचाओ बोल के उतना वो माँ वो बेटी कितना दर्द लेके आ रहे, कुछ कौन मेरे को बचना वाला बोल के कितना बार माँ बाप को याद दिला रहे। इसलिए वो ये एक संगठन में बिलो 12 इयर्स जो अत्याचार होता है, रेप करना है, एनकाउंटर करना है, वो तो इलीगली करना है। जी, साइकिल से दिल्ली तक की सफर क्यों आप कर रहे हैं? चाहते तो डायरेक्ट आप जा सकते थे, मिल सकते थे, फिर इतना रास्ता आप क्रॉस कर रहे हैं, इसका क्या मकसद है? ये तो देश का पूरे में हो रहे है, सिर्फ एक मेरा तेलंगाना में नहीं, इसलिए मैं साइकिल यात्रा कर रहा तो निरसन व्यक्त करना है। अभी मैं बाइक में गए तो भी ये आप हम मेरे को आपका स्टूडियो को इंटरव्यू के वास्ते नहीं बुला सकते आप, मैं साइकिल में आया बोल के आपको मालूम हुए को मेरे को इंटरव्यू बुलाया है, इसलिए मैं साइकिल यात्रा करे तो फिर रास्ते में पूरा अवेयरनेस करते जा रहा हूँ, एक आवाज बाहर आने के वास्ते मैं ये साइकिल यात्रा चुना हुआ मैं। जी, कितनी दिक्कतें आई हैं अभी तक, कितने सफर में? करीब 1200 किलोमीटर का आपने सफर तय किया, क्या प्रॉब्लम्स आई हैं? एक बार साइकिल का पूरा बेयरिंग चला गया पीछे व्हील का, 20 स्पोक्स तो पूरा ब्रेक हो गया। उस दिन मैं 12 किलोमीटर डकल के लेके आया साइकिल को मैं धूप में, और एक एक दिन में होटल नहीं मिलता वहां पे, फिर बगल में जो फैसिलिटीज है वो फैसिलिटीज एडजस्ट करके मैं बहुत दिक्कत हो रही है। एक दो दिन दो जगह में मेरे गार्ड सेक्शन भी मिला, एक 12 किलोमीटर का एक 5 किलोमीटर का, उसी समय में बहुत दिक्कत हुआ मेरे को। फैमिली ने रोका नहीं आपको कि ये कहाँ जा रहे हैं, आपको क्या पड़ी है, इस तरह से क्यों आपको जाना है? बच्चियों ने क्या बोला था आपको जब आप इस पर निकल रहे थे यात्रा पर? स्टार्टिंग में तो फैमिली भी ऐसे ही कहीं को कर रहे, सभी तो उनका जॉब कर रहे, आप अकेले सोशल एक्टिविटी बोल के समाज की कार्यक्रम कहीं कर रहे बोल के सब पहले था, मगर बाद में उन भी थोड़ा मेरा रास्ता में आ गए, अच्छा काम तो हो रहे बोले। तो अभी जब ये आप शुरुआत किए हैं सामाजिक सेवा सोशल एक्टिविटी, उसके अलावा कोई आपका पेशा है? घर खर्च कैसे चलता? मतलब एक बड़ी चिंता होती है कि भाई हम समाज सेवा तो कर रहे हैं लेकिन उसमें डायरेक्ट कोई पैसा थोड़ी ना आता है, तो कैसे आपका घर परिवार चलता है? जॉइंट फैमिली है, मैं एक बड़े ब्रदर दो छोटे ब्रदर था, मैं 4 मेंबर्स हूँ मैं पूरा, बाकी 3 लोग बिजनेस में था। मैं पहले बोल दिया मैं सोशल एक समाज कार्यक्रम में मैं इस्तेमाल होता, मैं थोड़ा आप इस देख लेना बोल देता हूँ, मेरा पापा भी यकीन किया, मेरा ब्रदर्स भी यकीन किया, जॉइंट फैमिली है इसलिए तो चल रहे। अच्छा, ये दिल्ली आप जा रहे हैं राष्ट्रपति से मुलाकात।